गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी मैंने बहुत जल्दी नहा लिया। ठंड नहीं है हमारे यहाँ, एकदम ठंड नहीं है। 2-3 दिन से बारिश हो रही है इसलिए ठंड ही नहीं है। और देखिए नहाने के बाद भी स्वेटर नहीं पहने, अब ठंड नहीं है। तो करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। मॉर्निंग रूटीन अपनी का सारा सफाई कर चुके हैं। हाँ, कुछ कुछ सामान इधर उधर मेरा बिखरा पड़ा है और ये मैं अरे फैल दवाई वगैरह मैं इसमें रखी हूँ। और ये जो है इसे ना ले जा रहे हैं आज। ये कितना ताज़ा है, इसे पानी में रख दिए तो एकदम ताज़ा ताज़ा रह गया। तो इसे डाल करना है, बनाना है मुझे आलू का पराठा। देखिए इधर आलू छील करके और टमाटर सब कुछ रखे हैं, प्याज वगैरह सारा चीज़ छील करके और इसे कुकर में भी बस डालेंगे और बनाएंगे आलू का पराठा। किचन में साफ़ कर ली थी नाइट में ही, और किचन साफ़ कर लेने का एक फ़ायदा होता है कि सुबह में बस जाइएगा नहीं आप सब, आलू का पराठा और टमाटर की चटनी मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ। और ये सोया साग डाल करके, ज़्यादा धनिया पत्ती डाल कर बनाते हैं ना, लेकिन मैं ये डाल करके बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनेगा। कहीं जाइएगा नहीं, ज़रूर वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ये आलू ना छील करके और मैं डाल रही हूँ उबलने के लिए, इसलिए कि नया आलू है, नया आलू छील करके अगर नहीं डालो तो फिर पता चला कि छीलने में इसे दिक्कत हो जाता है। और ऐसे उबलने के लिए डालेंगे पानी, ठीक है, तो फिर मुझे छीलना नहीं पड़ेगा। एक तरफ मैं कढ़ाई में टमाटर की चटनी बना ले रही हूँ, इसमें जीरा और ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ये डाल करके और इसका तड़का लगा ले रहे हैं। और इसके बाद मैं इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। आलू का पराठा के साथ ये कढ़ाई वाली जो चटनी होती है बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पर देखिए लाल लाल टमाटर है एकदम, और इसे मैं काट करके और कढ़ाई में डाल करके साथ में नमक डाल करके बस ढक देना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और मेरा आलू भी हो गया है और ये मौसम जैसा किया है, मौसम बादल पानी, तो इस तरह के मौसम में ना बस पराठा ही खाने का मन करता है। चाहे कोई भी पराठा हो, आलू का हो, मेथी का हो, फिर मूली का हो, जो भी हो, बस पराठा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में तेल डाल दे रहे हैं और इसके बाद मैं आलू को भूनूंगी। पहले इसके लिए मैं जीरा, सरसों, मेथी और ये कलौंजी, ये सब कुछ डाल करके पहले इसका तड़का लगा ले रहे हैं। इसके बाद एक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सारा कुछ भून ले रहे हैं। और इसके बाद ये जो सोवा है उसे काट करके और इसके बाद मैं इसे भून करके ही उसमें आलू में मिक्स करूँगी। बहुत लोगों को सोवा का खुशबू जो होता है उसे पसंद नहीं होता है, इसलिए सब्जी में या फिर कुछ में भी डालना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये जो सोवा है उसे भून कर ही और डालना चाहिए आलू का पराठा में। इससे होता है कि सोवा का खुशबू जो होता है उसमें सुगंध अच्छा आने लगता है, इसका सौंधापन आ जाता है, तो खाने में भी टेस्टी होता है। इस तरह से देखिएगा कभी बना करके आप सब
सोआ डाल करके, ऐसे तो धनिया पत्ती डाल करके ही ज़्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन इस सोआ का साग डाल करके और बना करके एक बार ज़रूर खाइएगा आप सब। यहाँ पर मेरा भुन चुका है और नमक मसाला सारा चीज़ मैं डाल करके और इसे बेल करके और मैं बना रही हूँ। और हमारे यहाँ भी छवि को बिल्कुल भी सोआ पसंद नहीं है, सोआ का साग, लेकिन जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो वो खा लेती है, कहती है कि नहीं मम्मी ठीक है, अच्छा लग रहा है, नहीं तो ऐसे अगर मैं कच्चा डालती तो वो नहीं खाती। लेकिन हम लोग को पसंद है उसकी साग, साग में मिला करके आलू में मिला करके भी बनाते हैं। तो मेरा यहाँ पर बन चुका है आलू का पराठा, अरे मैं सर्व करके दिखा रही हूँ आप सबको, देखिए कितना अच्छा मेरा बना है, तो एक बार आप सब ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं ऊपर आई, लाइट जलाना होता है, पूजा रूम है यहाँ पर, तो आए हैं और साथ में मेरा कपड़ा भी था धुला हुआ, तो सारे कपड़े मैं देखे कहाँ पर फैलाई, घर के अंदर में फैलाना पड़ रहा है क्योंकि 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हमारे यहाँ, रुकने का नाम ही नहीं। सूर्य भगवान तो पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, निकल ही नहीं रहे हैं 1 घंटे के लिए भी नहीं, 3 दिन से, मतलब साइक्लोन का असर हमारे यहाँ झारखंड में भी है। बारिश इतना धीमे धीमे ही है लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसके चलते देखिए कपड़ा मैं तो धो नहीं रही थी लेकिन धोना पड़ गया, अगर धोएंगे नहीं तो फिर नहा कर पहनेंगे क्या, 3 दिन से तो रखा हुआ था सारा कपड़ा, इस तरह से घर के अंदर ही डाले हैं कपड़ा। और देखिए ये भी सूख गया नहीं, सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ा सूखने का ही है, नहीं इधर भी डाल दिए हैं, पूरा पूरे घर में कपड़ा मैं फैला दी, शायद सूख जाए, ऐसे मशीन का धुला हुआ कपड़ा है सूख ही जाएगा। चलते हैं नीचे, और अभी हमारे घर में और अभी इधर थोड़ा पेंटिंग का भी काम चल रहा है, पुट्टी का घिसाई वगैरह, तो डस्ट को बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इस तरह से डस्ट उड़ रहा है पूरा। दीपावली में तो सफाई हम लोग किए ही, हालत ख़राब हुआ ही, और अब दीपावली के बाद फिर से काम हो रहा है, तो फिर गंदा पूरा घर में डस्ट, फिर से सफाई करना पड़ेगा सारा कपड़ा, देखिए इस तरह से इधर उधर चारों तरफ में फैला दी, यहीं पर हवा से सूखे कपड़ा। तो ठंड नहीं था, लग ही नहीं रहा था 2-3 दिन से ठंड भी, लेकिन आज बारिश जो लगातार कंटिन्यू हो रही है उसके वजह से ठंड भी है, देखिए स्वेटर उसके बाद शॉल सब कुछ ओढ़े हैं पहने हैं, गजब का मौसम किया है। आइए इधर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगा, लग रहा था कि ठंड ही नहीं है ठंड ही नहीं है, लेकिन ये बारिश कंटिन्यू करके ना ठंड भी बढ़ा दिया, और साथ में पता है ऐसे में ना मन करता है कि चुपचाप बैठे रहे। और ये देखिए ये मेरा अनार छोटा छोटा, ओह तो फल फ्रूट सब खराब हो रहा है यार, किसी को खाने का भी मन नहीं करता है सब। ऐसे में तो कोई काम करने का मन नहीं करता, लगता है जैसे आराम से एकदम बैठे रहे कंबल ओढ़ करके, और कोई बना करके देता गर्मा गर्म चाय पकौड़ा सच ठंड में अगर बारिश होना तो इच्छा नहीं करता कुछ काम करने का, बारिश के मौसम में बारिश हो कोई बात नहीं, लेकिन ठंड में अगर बारिश हो ये बिन मौसम बरसात वाली बात है, ऐसे में सचमुच में कुछ नहीं करने का मन करता, लेकिन काम तो करना है ठंड हो या फिर गर्मी हो, ऐसा मौसम में तो एकदम पानी का तो काम ही नहीं करने का मन करता है, एक तो ठंड होता है ऊपर से मौसम ऐसा है। अभी शाम के करीब 6:30 बज रहा है, मैं
बैठी हूँ, अभी बाहर हैं, वो भी आया नहीं है, और छवि अपने रूम में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।